श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से 5:30 होने जा रही है। आपको बता दे चले कि प्रथम पाली की परीक्षा में सिर्फ पुरुष यानी कि मेल लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए गए, वहीं दूसरी पाली में फीमेल यानी कि महिलाओं का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बिहार के कटिहार जिले की तस्वीर है, जहां भारी संख्या में अभ्यर्थी एग्जाम देने आए हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देने आए हैं और रेलवे स्टेशन पे वो मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें होटल में जगह नहीं मिल पाया है। क्या कुछ स्टूडेंट का कहना है, चलिए आपको उनकी पूरी बातों को हम सुनवा। यूपी आजमगढ़ तैयारी है एग्जाम को लेकर, क्या तैयारी है एग्जाम को लेकर? तैयारी पूरी करके आए हैं, पर सिलेबस कुछ पता नहीं था तो सब अपने हिसाब से पढ़ के आए हैं। अच्छा, आप लोग स्टेशन पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप देर रात यहाँ पहुँचे, कितनी परेशानी हुई? हम लोग की ट्रेन 3 बजे आ गई थी, तो हम लोग होटल वगैरह देखे पर सारा होटल फुल था, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हम लोग रिटर्न यहाँ आए, रात से हम लोग यहीं हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा में कटिहार में भी लगभग 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें लगभग 11,000 पुरुष और 9,000 महिला अभ्यर्थी भाग लिए हैं। शहर के 36 केंद्र में इन अभ्यर्थियों की परीक्षा की दो पाली में आयोजित होना है। कटिहार में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से भी परीक्षा देने पहुंची हैं। देर रात कटिहार पहुंचने के बाद इन लोगों को आवासीय होटल नसीब नहीं होने के बाद महिला स्टूडेंट किसी तरह से स्टेशन पे अपना समय बिता रही हैं, अपनी आखिरी तैयारी में जुटी हुई हैं। कटिहार में उत्तर प्रदेश से आए महिला स्टूडेंट ने उनकी तैयारियों को लेकर देर रात पहुंचने की व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है हमारे रिपोर्टर श्याम से, चलिए हम उनकी बातों को आपको सुनवाते हैं। बनारस से होटल नहीं मिला, देर रात पहुंचे स्टेशन पे, कितनी परेशानी हुई है? हम यहाँ पर 2 बजे उठते हैं, उसके बाद हम लोग कहें बाहर देखे कि मतलब मिल जाना चाहिए रूम नहीं मिला, तो फिर हम लोग के यहीं पर रुकना पड़ा, क्योंकि थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि हम लोग के लिए रूम लड़कियों के लिए खास करके एक और बनाना चाहिए, वहाँ पर लड़कियाँ रुक सके रात में, और जिस प्रकार से हम लोग घर से आते हैं उसके हिसाब से हम लोग को पूरी प्रॉब्लम हो रही है अगर देखा जाए तो। परीक्षा को लेकर कितना उत्साहित है? और परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से था कि बीएड जब मतलब लिए थे यहाँ पर कि बिहार में कि लड़कियों को मतलब मिल रहा है सुविधा बीएड वालों को, तो उसमें तो खुशी की बात थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे आया है जजमेंट केंद्र सरकार का कि बीएड वालों को हटा दिया जा रहा है, वालों को रखा जाएगा, तो उसकी वजह से देखा जाए तो हम लोग के लिए थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बिहार सरकार ने ये भी बोला है कि अगर हो सकेगा तो जो लास्ट जजमेंट होगा वही देखा जाएगा, आप लोग सबको परीक्षा देना मतलब दे सकते हैं। बनारस से। क्या नाम है आपका? अंजलि पटेल। सेंटर कहाँ पर है? MS महिला कॉलेज में।